गर्ल्स, तो आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं नानी के घर और उसके बाद हम लोग बहुत सारे मज़े करेंगे। नानी के घर जाने के बाद एक्चुअली हम कल जाने वाले थे पर कल बारिश आ गई थी, ऐसे 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 बारिश, तो हम कल नहीं जा पाए थे, तो इस वजह से हम आ जाएंगे और हम बहुत सारे मज़े करेंगे। एंड नानी का घर मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है और उसके बाद हम लोग 31 तक आ जाएंगे वापस। एक्चुअली 31 को हमारा रिजल्ट है तो हमें वापस आना पड़ेगा, तो 31 को हम वापस आ जाएंगे। सो जल्दी बाय बाय, अभी हम मिलते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ नानी का घर कहाँ है, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार हम जा रहे हैं नानी के पास। ये पागल हो चुकी है और नानी के घर जाने में काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 आवर्स लगते हैं नानी के घर जाने में, बहुत दूर है। तो आप लोग कार से बिल्कुल भी नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, क्योंकि हम पिछली बार जब गए थे तो इस मैडम को मोशन सिकनेस हो गई थी, सो नहीं हम चलते फिरते आराम से मज़े न, चलते फिरते नहीं, हम लोग आराम से मेट्रो में जाएंगे और मज़े करेंगे, क्योंकि पापा का घर का पापा थोड़ी जा रहे हैं यार, पापा को काम है ना। सो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं एंड जा रहे हैं, अब बहुत मज़े करेंगे एंड वहाँ के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। हम वहाँ पे थोड़े दिन रुकेंगे और उसके बाद ब्लॉग्स बनाएंगे और वीडियोस बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आगे बढ़ते हैं। प्लान हमारा ना वापस आने का कोई अभी प्लान नहीं, मतलब प्लान है वापस हम आएंगे बट ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कितनी डेट को हम लोग आएंगे वापस, क्योंकि हमारा 30 मंथ को ना रिजल्ट भी है, तो वो देखते हैं कि क्या होता है। पहुँच चुके हैं और ये रही मम्मी और हम खेल रहे हैं यहाँ पे बैडमिंटन, यहाँ पे हम लोग साथ में लेके आए थे और हम यहाँ पे बैडमिंटन खेलेंगे। अब यहाँ पे हम इतनी देर से खेल रहे थे, खेलते खेलते साथ छोड़ गई यहाँ, और वो अंदर मैडम अपनी फ्रेंड से बात कर रही है और हम दोनों यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे लेटे हुए आराम से कम्फर्ट हो गए और यू नो व्हाट, अभी बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, पहले तो थोड़ी बहुत हुई थी, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे उसके बाद हुई, तो हम अंदर आ गए और अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रुको मैं आप दिखाती हूँ आपको, और देखो ये यहाँ पे मस्त अपना यहाँ डॉगी मज़े कर रहा है, लेट मी शो, ओ माय गॉड, मैं यहीं पे जा सकती हूँ यहाँ पे, यार ये कैमरे में बारिश क्यों नहीं दिख रही है, बाहर नहीं लेके जा रहा, बस यहीं से दिख रहा है, ये बारिश दिख के नहीं रही कैमरे में, बारिश बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, लिटरली बहुत तेज बारिश हो रही है, आवाज़ से आप पता लगा सकते हो, देखो आवाज़ सुनाते हो, इतनी तेज बारिश हो रही है और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, और सुबह तो काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा बहुत ठंडा आ चुकी है आंधी आंधी टाइप, और अभी भी इतना ठंडा मौसम हो रखा है, पूरी बारिश हो रही है, देखो मज़ा आ रहा है। खाना हम लोगों ने खा लिया है, ये यहाँ पे ये डॉगी यहाँ पर मज़े कर रहा है और ये मैडम यहाँ पे मस्त फोन देख रही है और सुबह से हम लोग वो खेल रहे थे बैडमिंटन, सुबह के 10 बजे से लिटरली, अपने घर तो मैं उठती नहीं हूँ और यहाँ पे हम लोग 10 बजे से बैडमिंटन खेल रहे थे और यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे, ये रही मम्मी बॉलिंग कर रही है और वो मैडम पे एक बॉल अभी तक लगी नहीं है, अभी ना इससे पहले वो जीते ही जा रही थी तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, देखो मतलब इतनी सही बॉल जा रही है, लहराते हुए मारेगी घूम घूम के, सी ओह मार दी अब तो मार दी, और अभी मम्मी बॉलिंग कर रही है, उसके बाद मैं फील्डिंग कर रही हूँ, फील्डिंग अभी मम्मी कर रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ ब्लॉग, तो अभी मेरी बैटिंग आएगी, तो देखना इतना मज़ा आ रहा है नानी उधर से, दो बॉल फील्डिंग
मैं चौके छक्के मारे थे अभी बॉल ना यहाँ पे टीन है एक यहाँ पे वहाँ पे चली गई थी इसके ऊपर चढ़ के हम लोग बस ये नानी के घर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हम सुबह से लिटरली बैडमिंटन खेल रहे हैं और सुबह खेल ही रहे हैं, मतलब इतना खेलने का मौका मिलता है ना। थोड़ा तेज इतना खेलने का मौका मिलता है। अभी फील्डिंग करवा रहे हैं मुझसे, ब्लॉग बनाते हुए रुक नहीं सकते तुम लोग। और इतना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है नानी के घर, इतना मज़ा आता है ना। हम 24 घंटे खेलते रहते, नो पढ़ाई चढ़ाई, ओनली फ्रेश एयर में, फिर पौधों के पास खेलना। और एक तो इतना खुला घर है ना, लिटरली देखिए इतना तो हमारा पूरा घर है जितना यहाँ पे ये है। और देन आगे रूम्स इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ पे 4 रूम्स हैं बहुत बड़े बड़े। देन ये पूरा, देन इस गेट के बाद ये इतना सब कुछ, किचन एंड एवरीथिंग इज सो बड़ी बड़ी, बहुत खुला खुला एरिया है। तो यहाँ पे मज़ा भी बहुत आता है खेलने में। एंड थोड़ी सी सांस चढ़ रही है, खेल रहे थे ना हम लोग तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, लिटरली गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, फन, आई एम रियली हैविंग फन नानी के घर आके। और अभी तो हमारा लाइक सेकेंड डे है यहाँ पे, मैंने 2 ब्लॉग्स को कंबाइन कर दिया क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग इतना शूट नहीं कर पाए थे, हम खेलने में इतने बिजी हो गए थे कि हम लोग शूट ही नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत शूट किया वो आपको दिख गया होगा, एंड इट्स द नेक्स्ट डे। एंड सुबह उठ के हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, वो भी शूट नहीं कर पाए, इतना खेलने में मतलब व्यस्त हो गए। और अभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड मे बी भैया आए, हमारे भैया तो वो भी आएंगे और उसके बाद हम लोग खेलेंगे मस्त एक साथ मिलकर। अगेन मैगी बनाएंगे भैया, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो, एक साथ चूल्हे पर, जो कि बिल्कुल बुरे तरीके से जल जाएगी, फिर भी हम खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और अभी मैं जाती हूँ अपनी फील्डिंग करने, वरना क्या, कुछ नहीं होगा, फील्डिंग करने जाती हूँ और फटाफट से अपनी बैटिंग लेती हूँ। ये कब आउट होंगे पता नहीं, इसकी कैच ही नहीं पकड़ पा रहा कोई यार, कहाँ कहाँ बॉल मार रही है, बहुत इधर उधर बॉल मार रही है तो पता नहीं लगता। वो फील्डिंग के लिए बुला रहे हैं तो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस अब दीदी वो कर रही है बैटिंग। गाइस मैं आपको दिखा, इधर मत मारियो, ये मार शॉट, ये लगा नहीं, ये फिर से नहीं लगा। मारो ऐसे मत बोलो, व्लॉग भी आ रहा है। व्लॉग मैंने बस इतना ही शूट करा है क्योंकि बस ऐसे ही यार, थोड़ा ना कम शूट करने को मिला, ज़्यादा टाइम नहीं मिला। फ़ोन तो हम भूल ही गए थे कि हम फ़ोन भी लेके आए हैं, थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है खेल खेल कर, बोल बोल के इतना थोड़ा सा ख़राब हो गया गला। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, ये वाला व्लॉग बस इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग आप देख लेना वो पूरा आ जाएगा। ये वाला व्लॉग भी थोड़ा मिक्स करके बनाया है तो थोड़ा ऐसे बनाया, तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, बाय बाय गाइस। एक बात और, ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैंने नेक्स्ट डे इसलिए शूट करी है क्योंकि पहले वाली जो लास्ट में मैंने जिसमें वीडियो एंड करी थी उसी वीडियो के बाद, तो वो वाली में ना एक्चुअली पीछे सॉन्ग चल रहे थे, नवरात्रि थी तो पीछे सॉन्ग चल रहे थे माता के, तो इस वजह से ना कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए मैंने वो वाली वीडियो बैकग्राउंड में सॉन्ग्स बज रहे थे तो वो वाली ना डाल के मैंने ये वाली शूट करी एंडिंग की। दैट्स व्हाई ये थोड़ा इधर उधर हो गया व्लॉग, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक आएगा, बाय।